सनसनी ऑफ इंडिया। दक्षिण पूर्वी जिले के थाना पुल प्रहलादपुर इलाके में बाइक चोरों ने बीती सोमवार की रात ऐसा आतंक काटा कि मात्र 15 मिनट के अंदर ताबड़तोड़ बाइक चोरी की एक नहीं दो नहीं पूरी चार वारदातों को अंजाम देकर बाइक चोर फरार हो गए। लेकिन बाइक चोरी की घटना के एक हफ्ते बाद भी पुल प्रहलादपुर थाना पुलिस के हाथ खाली है। हैरान करने वाली बात यह है कि बाइक चोरी की घटना साफ साफ सीसीटीवी कैमरे में आने के बावजूद थाना पुल प्रहलादपुर की पुलिस चोर को खोजने की बजाय पीड़ितों को यह बोलकर अपनी नाकामी छुपाने में लगी हुई है कि हमने चोरी की रिपोर्ट तो लिख ली है, गाड़ी मिले न मिले इंश्योरेंस का पैसा तो मिल ही जाएगा। आज हम आपको दिखाएंगे कि जब से संजय दहिया थाना पुल प्रहलादपुर में SHO बनकर आए हैं तब से चोरों के हौसले कितने बुलंद हो गए हैं। पुल प्रहलादपुर इलाके में चोर बैकऑफ होकर एक रात में एक दो नहीं पूरी चार चार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। थाना पुल प्रहलादपुर की पुलिस इतनी महान है कि चोरी की वारदात के 10 दिन बाद भी चोरों का कोई सुराग नहीं खोज पाई है। क्राइम कंट्रोल करने की बजाय थाना प्रभारी यह बोलकर अपनी जिम्मेवारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं कि पुल प्रहलादपुर का इलाका हरियाणा राज्य की सीमा से लगता है और अपराधी क्राइम करके पड़ोसी राज्यों में भाग जाते हैं। तो जनाब, जब आप क्रिमिनल को वारदात करके पड़ोसी राज्य में भागने से नहीं रोक सकते हो तो आप SHO गिरी छोड़कर कहीं मूंगफली की रेड़ी लगाइए। जब आप थाने के मैनेजमेंट को नहीं संभाल सकते हो तो आप काहे को SHO बनकर दिल्ली पुलिस को बदनाम कर रहे हो। दिनांक 29 अगस्त की रात पुल प्रहलादपुर इलाके में थाना पुल प्रहलादपुर पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए बाइक चोरों ने ताबड़तोड़ एक नहीं दो नहीं पूरी चार वारदातों को अंजाम दिया। सभी वारदातें CCTV में कैद हो गई हैं। आप CCTV में देख सकते हैं कि मुंह पर रुमाल बांधे, सफेद फूल बाजू की टी शर्ट पहने और पीठ पर बैग टांगे एक व्यक्ति बाइक चालू करता दिख रहा है। इस चोर ने सबसे पहले इलाके से बुलेट चोरी करने की कोशिश की, लेकिन बुलेट का लॉक नहीं खुलने पर बुलेट की बैटरी ही चोरी कर ली। आप देख सकते हैं यही वो बुलेट है जिसको चोर ने चुराने की कोशिश की थी। वो तो शायद बुलेट मालिक की किस्मत अच्छी थी कि बुलेट का लॉक नहीं खुला, वरना यह भी चोरी हो जाती। लेकिन चोर ने जाते जाते बुलेट की बैटरी खोलकर चुरा ली। इसके बाद लगभग 4:35 पर चोर दूसरी बाइक चुराता है। आप इस CCTV फुटेज में देख सकते हो कि बाइक चोर कितना बैकऑफ होकर बाइक चोरी कर रहा है। मेरा नाम भीष्म दत्त है, मैं गली नंबर 5 में रहता हूँ, HR 233 में। मैं 28 तारीख को रात को यहाँ से गया, मैंने अपनी बाइक खड़ी करी और पेट्रोल लॉक किया। उसके बाद मैं सोने चला गया और सुबह 29 तारीख को 4:30 मेरी बाइक चोरी हो गई। और मैंने पेट्रोल की लगा रखा था इसलिए वो ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा पाए और वो मित्तल चौक पे उस बाइक को छोड़ दिया और मैं अपनी बाइक को ढूंढता रहा। मैंने सुबह पुलिस कंप्लेंट कराई और उसके बाद भी मैं अपनी बाइक को ढूंढता रहा, लेकिन जिनकी बाइक चोरी थी उनके पास से एक लड़का आया और उन्होंने मुझे बताया कि आपकी बाइक वहाँ खड़ी हुई। 4:40 पर चोर तीसरी बाइक चुराता है। आप CCTV फुटेज में देख सकते हो कि चोर कितने आराम से बाइक के पास आता है और कुछ मिनटों में ही खड़ी बाइक का लॉक तोड़ देता है और फिर बाइक पर बैठकर फरार हो जाता है। मैं कमलेश शर्मा ई ब्लॉक से पुल प्रहलादपुर से बोल रहा हूँ। मेरा बाइक 29 तारीख को सुबह 5 चोरी हुई है पुल प्रहलादपुर से, अभी तक मिली नहीं है हमारी गाड़ी। इस पर थोड़ा कार्रवाई किया जाए, ध्यान दिया जाए। बाइक नंबर हमारा है DL4SCS8423। पुलिस में FIR करा दिए हैं, कह रहे हैं लोग कि ढूंढेंगे, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी बाइक मिली नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। इसके बाद 4:45 पर चोर चौथी बाइक चुराता है। यह बिल्कुल नई बाइक थी और इसका अभी तक नंबर भी नहीं आया था। मैं दिलीप दुबे, मैं 28 तारीख को रात को अपनी बाइक 9:30 अपने घर के सामने GD23 घर के सामने खड़ी किया था और सुबह 4:42 पे मेरी बाइक चोरी हो गई। जब मैं सुबह 6 उठा रनिंग के लिए जा रहा और देखा मेरी बाइक नहीं थी, फिर मैंने आसपास के लोगों से पूछा और अपने यार दोस्तों को भी फ़ोन किया तो कहीं बाइक मेरी नहीं। फिर मैंने CCTV फुटेज चेक करवाया जो मेरे घर के सामने ही बिल्कुल लगा हुआ है, और फिर वहाँ से मैंने जब चेक करा तब मुझे पता चला कि मेरी बाइक चोरी हो गई। फिर मैंने तुरंत 100 पर कॉल किया, फिर मैं वहाँ पुलिस आई, फिर उन्होंने FIR वगैरह जो भी अपना किया, फिर मैं जाके साइबर कैफे पे जाके वहाँ से मैंने FIR दर्ज करवाई और उसके बाद फिर मैंने और भी छानने, जब CCTV मैंने खंगाला तो उस दिन 4:30 की रात में 29 तारीख को 4 बाइक चोरी हुई थी, जिसमें से एक बुलेट, एक पल्टीना और एक TVS स्टार स्पोर्ट और एक स्प्लेंडर। मेरी स्प्लेंडर 7 दिन पुरानी गाड़ी है।
आप देख सकते हैं कि मात्र 15 मिनट के अंदर बाइक चोर चोरी की चार चार वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाता है। 10 दिन के बाद भी पुल प्रहलादपुर पुलिस के हाथ खाली है। हालांकि चोरी हुई एक बाइक इलाके में खड़ी मिल गई थी। बाइक का तेल खत्म हो गया था, जिसकी वजह से चोर बाइक को छोड़कर चले गए थे। इस बाइक को भी पुलिस नहीं खोज पाई। बाइक मालिक ने अपने दम पर अपनी बाइक को खोजा। आपको हम बता दें कि जब से संजय दहिया थाना पुल प्रहलादपुर में SHO बनकर आए हैं, तब से रात के समय पुल प्रहलादपुर इलाका राम भरोसे हो गया है। कहने को तो रात के समय पुल प्रहलादपुर इलाके में चारों तरफ से बैरिकेड लगा दिया जाता है, लेकिन हकीकत तो यह है कि बैरिकेड के नाम पर खानापूर्ति की जाती है। देर रात सनसनी ऑफ इंडिया की टीम ने इलाके में घूम घूम कर सुरक्षा का जायजा लिया, तो पुलिस गश्त के नाम पर होम गार्ड भी नहीं दिखाई दिया। इस समय रात के 2 बज रहे हैं और ये रास्ता पुल प्रहलादपुर के ई ब्लॉक ए ब्लॉक मित्तल कॉलोनी की तरफ जाता है। हम इस रास्ते की तरफ आगे बढ़ के देखते हैं कि पुलिस कितनी मुस्तैद है। आप मेरे साथ आगे चलिए, क्योंकि इसी थोड़े सा आगे चलने पर यहाँ पुलिस की पिकेट भी है। देखते हैं यहाँ पर कितने पुलिस वाले बैठे हुए हैं। रात के 2 बज रहे हैं, पिकेट मुझे दिखाई देने लगी है, लेकिन दूर दूर तक कहीं पुलिस वाले दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये बैरिकेड है, अब देखिए बैरिकेड खुला हुआ है, दोनों तरफ से बैरिकेड खोल रखा है और यहाँ बैरिकेड के आसपास कोई पुलिस वाला नहीं है। यहाँ से सीधा पुल प्रहलादपुर के अंदर घुसा जा सकता है। सुरक्षा के नाम पर एक चौकीदार भी आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ से पूरा प्रहलादपुर में घुसा जा सकता है। देख सकते मेरे बगल में वो पुलिस पिकेट है और ये बैरिकेटर है। दोनों बैरिकेट खुले हुए हैं, आसानी से कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। कोई रोक टोक नहीं, कोई पूछने वाला नहीं कि भाई कौन रात के 2 बजे 3 बजे कॉलोनी में जा रहा है, क्या कर रहा है, किस लिए आ रहा है, क्यों जा रहा है। देखिए पूरा खुला हुआ है, यहाँ से पूरे पुल कोई भी यहाँ से अगर घुसता है पूरे पुल प्रहलादपुर के अंदर एक ही गली के अंदर जाके घूम के आ सकता है। ये देखिए एक भी पुलिस वाला नहीं है, रात के 2 बज रहे हैं। सुरक्षा के नाम पर 0। हाँ, एक जगह सनसनी ऑफ इंडिया की टीम को एक पुलिस की बाइक तो दिखाई दी थी, लेकिन जब हम उनके नजदीक गए तो पता चला कि यह पुलिस वाले तो अपने जुगाड़ में आए हुए थे। शायद उनको चाय पीनी थी, इसके लिए सरकारी पुलिस बाइक पर दूध का जुगाड़ करने निकले थे। दूध मिलते ही वो दोनों पुलिस वाले सरक लिए, इलाका फिर राम भरोसे रह गया। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये जनता DD फ्लैट की तरफ रास्ता जाता है पुल प्रहलादपुर में, और मेरे उल्टे हाथ पे देखिए पुलिस बूथ बना हुआ है। रात के 2:30 बज रहे हैं, दोनों बैरिकेड खुले हुए हैं। रात के 2:30 बजे यहाँ भी कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं है बैरिकेड के अंदर। ये बूथ के अंदर हम एक बार नजर मार लेते हैं। नहीं है बूथ में, और ये बैरिकेड है दोनों, और ये DD फ्लैट के लिए अंदर जाने का रास्ता है जहाँ से अंदर जाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं दोनों तरफ कहीं भी पुलिस वाले दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर कोई भी आएगा बिना बेरोक तो सीधा अंदर घुस जाएगा, उसे रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है। देखिए DD फ्लैट के लिए रास्ता, मैं भी बड़े आराम से अंदर तक आ गया हूँ, मुझे भी किसी ने रोका टोका नहीं है, ना ही किसी ने पूछा भाई आप इतनी रात के लिए अंधेरे में क्या कर रहे हो। ये देखिए पूरा खुला हुआ है, बैरिकेड दोनों खुले हुए हैं, दूर दूर तक कोई पुलिस वाले नहीं दिखाई दे रहा है। पुलिस वाला छोड़ो, यहाँ पर कोई गार्ड भी नहीं दिखाई दे रहा है। सुरक्षा के नाम पर 0।
यह तो बाइक चोरी की एक घटना है जो कि पुल प्रहलादपुर पुलिस चोरी का सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद आरोपी को खोज नहीं पा रही है। वहीं संजय दहिया का थाना पुल प्रहलादपुर में एसएचओ बनने के बाद इलाके से स्कूली छात्राओं का गुम हो जाना, खुलेआम नशा बिकना, अवैध उगाही और अनेकों दो नंबर के धंधे बड़े तेजी के साथ पनपने शुरू हो गए हैं। हमारी न्यूज टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर सब अपने कैमरे में कैद किया है, जो कि आपको जल्द दूसरे वीडियो में देखने को मिलेगा। बने रहिए सनसनी ऑफ इंडिया टीम के साथ। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है, रहे हर पल चौकस। और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया। कहीं डर तो कहीं दर्द। कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या। कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया।